दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आप लोग के कुछ सवाल थे लास्ट वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो उसके कुछ जवाब देने वाला हूँ। बेसिकली मैक्सिमम जो सवाल थे वो टेस्ट राइड डेट के ऊपर थे। बेसिकली किसी को 15 तारीख मिली है, किसी को 10 तारीख मिली है, क्योंकि हम लोग को तो 15 तारीख मिली है, किसी को 10 तारीख मिली है, किसी को 20 तारीख मिली है, किसी को 25 तारीख मिली है। अब ये डेट बायफर्केशन क्यों है, ये काफ़ी लोग एक दूसरे से ही सब्सक्राइबर लोग ही पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैंने ओला से डायरेक्ट बात की कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को 10 मिल रही है, किसी को 15 मिल रही है, किसी को 20 मिल रही है। उन्होंने डिलीवरी के हिसाब से पूरा टेस्ट राइड डिज़ाइन किया है। लाइक जिनकी डिलीवरी इनिशियल में है उनको 10 तारीख, जिनकी डिलीवरी लेट है उनको 15 तारीख, किसी की डिलीवरी अगर और लेट है तो 20 तारीख, ऐसा करके उन्होंने किया है। साथ ही साथ एक और चीज़ बोला है कि सिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, उस हिसाब से भी हमने ऐसा डिज़ाइन किया है। लाइक मेजर सिटीज़ है, भले उसकी डिलीवरी लेट है फिर भी उसको 10 तारीख की हमने डेट दी है, तो ये चीज़ भी कंडीशन उन्होंने बताई है। तो आप लोग अगर सोच रहे हो कि 15 तारीख मेरे को मिल रहा है, 10 तारीख मिल रहा है, तो इसमें दो कंडीशन ज़रूर हो सकती है। आपकी बुकिंग अगर उस समय में, उस ड्यूरेशन में है, और साथ ही साथ आपकी सिटी में भी अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए आपको 10 तारीख आपको मिल रही है टेस्ट राइड। अगर आपके इधर अवेलेबिलिटी की थोड़ी इशू है तो 15 तारीख मिल रही है, 20 तारीख मिल रही है। एंड काफ़ी लोग जो पूछ रहे थे कि 500 रुपये देने के बाद भी क्या हमको टेस्ट राइड मिलेगी, वेल अभी फ़िलहाल इनकी प्रायोरिटी है जो उन्होंने 20,000 रुपये दिए उनको, उसके बाद जब थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा उसके बाद सबको टेस्ट राइड मिलेगा। जिन लोग के पिन कोड पे फाइनल बुकिंग नहीं हो रही थी, काफ़ी लोग दूसरी जगह का पिन कोड डाल के पैसे पे कर रहे थे, यस जो पिन कोड नहीं ले रहा था वहाँ पे भी टेस्ट राइड अवेलेबल नहीं होगी। फिलहाल जहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल हो रही है वहीं पर ही टेस्ट राइड आपको मिलेगी, एंड वहीं पर ही आपको टेस्ट राइड किया जाएगा। आप सब कुछ वहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आज भी अभी भी हर वीडियो में बोल रहा हूँ टेस्ट राइड आपको ही करना है। कोई भी बड़ा क्रिएटर को टेस्ट राइड नहीं दिया जा रहा है, मीडिया वालों को, सिर्फ और सिर्फ मीडिया वालों को टेस्ट राइड दिया जा रहा है। तो मीडिया वाले तो क्या बोलेंगे आई डोंट नो, लेकिन यूट्यूबर्स को नहीं दिया जा रहा, ये कंफर्म हो चुका है। अगर आप टेस्ट राइड कर रहे हैं तो मेरे तरफ से एक छोटी सी विनती आप लोग से, प्लीज़ इसका एक्सेलरेशन टेस्ट कर लीजिएगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी टेस्ट कर लीजिएगा, इसका सस्पेंशन टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको डेली के हिसाब से देखना ज़रूरी है। टायर क्वालिटी कैसी है, सीट कंफर्ट कैसा है, टच स्क्रीन रिस्पॉन्स कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत लोगों ने यूज़ करने के बाद ये थोड़ा लैग कर रहा हो, इसके स्पीकर काम करते हैं नहीं करते हैं, रिवर्स मोड कैसे काम करता है, सब कुछ। प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखिएगा, हम लोग को नहीं मिल रहा है टेस्ट ड्राइव करने के लिए, आप लोग को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप ही खुद एक्सपर्ट बनेंगे तो आप अपने एटलीस्ट दिमाग में सेटल डाउन हो जाएंगे कि आपको सही में ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, डेली के हिसाब से सही है या नहीं है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, फ्लोर बोर्ड पर एक बार देख लेना क्या आपको लिटरली ये फ्लोर बोर्ड जमता है, फिर आगे जाकर नहीं तो दिक्कत होने लगेगी। तो प्लीज़ पूरा का पूरा डेमो लेना, एक एक चीज़ 10 बार पूछना, ब्रेकिंग टेस्ट करना कि ब्रेक कैसे लगते हैं, अगर स्पीड में चल रहे हो और सडनली ब्रेक मारा तो कितनी देर में गाड़ी रुकती है, हर चीज़। प्लीज़ छोटी सी विनती आप लोग से, इसके बाद आपको लाइक करना डिसलाइक करना आपके ऊपर है। इस वीडियो पे आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं तो सब्सक्राइब करना, अच्छा तो प्लीज़ शेयर करना। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।